सरकारी धान क्रय केंद्रों पर बड़े बड़े व्यापारियों का धान खरीदा जा रहा था और किसानों को सरकारी धान क्रय केंद्रों के चक्कर लगवाए जा रहे थे। इसी को लेकर के भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी आशीष चौधरी के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाता है और सैकड़ों धान की ट्रॉली ट्रैक्टर बाराबंकी के गन्ना दफ्तर से लेकर के करीब 1 किलोमीटर तक खड़ा कर दिया जाता है। इसी को लेकर के और देखते हुए जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं और आशीष चौधरी के सामने जिला प्रशासन टिक नहीं पाया और अब सरकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान खरीदने शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी आशीष चौधरी जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। धन्यवाद आशु जी। आप सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से किसानों को लगातार परेशानियां हो रही थी, जो बड़े व्यापारी हैं उनका धान खरीदा जा रहा था, उसके बाद किसान आपके पास आए होंगे, आपने उनकी परेशानियों को सुना होगा, किस तरीके से आपको परेशानियां हुई इन सब चीजों को देखने में और उसके बाद इंसाफ दिलाने में किसानों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जब अभी त्रिस्तरीय अध्यादेश किसानों पर थोपा गया तो हमने एक आवाज उठाया था कि एमएसपी कंपलसरी कर दिया जाए, व्यापारी खरीदे, बाड़े वाला खरीदे, अलतिया खरीदे, कोई भी खरीदे, लेकिन एमएसपी से नीचे खरीदारी करने पर जेल का प्रावधान कर दे सरकार। हम अध्यादेश को मानते हैं। आज क्या हो रहा है, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए में किसान धान बेच रहा है और वही बिचौलिए उसी धान को 1868 रुपए में सरकार को बेच रहे हैं। तो फायदा किसको हो रहा है आप बेहतर जान रहे हैं, फायदा किसान को नहीं हो रहा है। सरकार के पास तो आंकड़ा है कि हमने 125 क्विंटल धान खरीद लिया है, लेकिन 125 क्विंटल धान वो किसके माध्यम से गया है? वो किसान के हाथों से बेचा गया है कि व्यापारी के हाथों से बेचा गया है? इसका आंकड़ा कौन निकालेगा? ये आंकड़ा सरकार के पास है कि नहीं है? तो जो कालाबाजारी हो रही है, कालाबाजारी कौन कर रहा है? किसान कर रहा है क्या? ये व्यापारी कर रहे हैं। और व्यापारियों का परसेंटेज कितना है आप खुद ही देख लीजिए। सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो सरकार में सबसे पहला जो है घोषणा पत्र में किसानों को लेकर था कि किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा, किसानों को राहत दी जाएगी। क्या है बात, ये आप बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डीएम अपनी टीम बनाकर क्रेकेन जांच करें। मैं बाराबंकी की बात करता हूं, एक क्रेकेन का नाम बता दीजिए जिसमें डीएम साहब जांच करने पहुंचे हों। रात 12 बजे 12 उपास के दिन रात में व्यापारी की धान तोड़ हो रही थी। हमारे लोग, संगठन के लोग, पदाधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं और आज तक उस सचिव के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये है प्रशासन हमारे जनपद का। आप किस कार्रवाई की बात करती हैं? हेलो जी, बिल्कुल आशु जी, आपने बिल्कुल बात सही कही है। कहीं ना कहीं परेशानियां किसानों को हो रही थी और कई बार ऐसी समस्याएं भी किसानों को आज वादी थी कि एक हफ्ते तक वो वहीं पर खड़े रहते थे अपना धान बेचने के लिए, लेकिन उनके धान को खरीदा नहीं जाता था, फिर कम दामों में वो बेच करके चले जाते थे क्योंकि ना तो किसी खाने की सुविधा हो पाती थी, ना रुकने की सुविधा हो पाती थी। इस तरीके की परेशानियां कई बार देखने को मिली है। और आपको बता दें, जब किसान अपना लेकर जाता है तो धान में नमी बताई जाती है, धान में मिट्टी बताया जाता है, धान में फराह बताया जाता है, अनेक जो है समस्याएं बताई जाती हैं। वो धान अगर व्यापारी लेकर जाता है तो उसकी तौल हो जाती है, क्योंकि 350-400 रुपए क्विंटल के हिसाब से पक्का मामला सेट रहता है। तो ये जो कालाबाजारी हो रही है इसमें नुकसान किसान का हो रहा है। मजबूरी में किसान 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए में धान बेच रहा है व्यापारी के हाथ में, क्योंकि उसके सामने समस्या है। अगर वो नहीं बेचेगा तो अगली फसल कैसे बोएगा, और अगली फसल नहीं बोएगा तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, जो उसकी आर्थिक समस्या है वो बड़े पैमाने पर हो जाएगी। ये बात सरकार नहीं सोचती है। आपको बता दें, आवारा जानवर हमारे खेतों को पहले से बर्बाद कर रहे हैं। माननीय योगी जी ने 247.60 करोड़ रुपए आवंटित किया क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कि गौवंश की रक्षा की जाए गौशालाओं के माध्यम से। आज जाकर देखिए गौशालाओं में क्या हो रहा है यार, जानवर मर रहे हैं गौशालाओं में, उनके हक का दुखा जा रहे हैं ये भ्रष्ट अधिकारी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं योगी जी? बिल्कुल आशीष जी, एक बात और, जिस तरीके से आपने जब इनकी किसानों की समस्याओं को उठाया, आपने धरना किया, प्रदर्शन किया और उसके बाद अब किसानों के धान को खरीदा जा रहा है, और किस तरीके से परेशानियां आ रही थी, और क्या अब बाराबंकी की अगर बात की जाए तो क्या किसानों की जो समस्याएं कितनी हल हो पाई है?
किसान की समस्या है तो 74 साल से नहीं है, उस पर निस्तारण नहीं किया जा रहा है, उन्हें टाला जा रहा है, उन्हें टाला जा रहा है। जिम्मेदार एसडीएम है, जिम्मेदार डीएम है, जिम्मेदार शासन है, जिम्मेदार प्रशासन है, अपनी जिम्मेदारी को ना निभाते हुए दूसरे पे टालने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसान की जो एक तो समस्या है, प्रातल पर जाकर जब शासन के लोग देखेंगे तब समस्या कहां निकलेगा। हम तो कह रहे हैं एमएसपी आप दीजिए कि 1868 रुपए बी ग्रेड का धान तोलोगा, हमारे बाराबंकी में बी ग्रेड का धान है, इससे नीचे खरीदारी नहीं हो सकती, वो चाहे व्यापारी खरीदे और चाहे सरकार खरीदे। तो आप बताइए किसान के सामने, वो चाहे धान का मुद्दा हो, चाहे गेहूं का मुद्दा हो, चाहे कपास का मुद्दा हो, हर जगह कालाबाजारी होती है, और जिस कालाबाजारी को शासन के लोग भी जान रहे हैं और प्रशासन के लोग भी जान रहे हैं। बंदर बाग किया जाता है किसान के हक का, ये हकीकत है किसान की। और जब चुनाव होता है तो किसान के मुद्दे को सबसे पहले प्राथमिकता पर रखते हैं, क्योंकि वोट तो किसान देगा, ये देश कृषि प्रधान देश है। और किसान को एक अति पुड़िया देकर जो है वोट ली जाती है, तो वो पुड़िया जो है ना वो बंद कर दे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आपके जो हुक्मरान जनपदों में बैठे हैं, ये आपकी आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, इसका खामियाजा 2022 में आपको भुगतना पड़ेगा। और आंकड़ों पे बात कर रहे हैं आप लखनऊ में बैठकर प्रदेश कार्यालय मुख्यमंत्री आवास में बैठकर आपको जो आईना दिखाया जा रहा है हर जनपद के प्रशासन के द्वारा, वो आईना ही गलत है। आप किसान की दशा को देखना चाहते हैं तो आप ग्रामीणों में जाइए, आपके बूथ बूथ पे कार्यकर्ता है, उनसे पूछिए क्या हालत है किसान की। किसान ने दीपावली नहीं मनाई है, उनके बच्चों ने कपड़े नहीं पहने हैं, मिठाई नहीं खाई है उनके बच्चों ने, ये किसान की हालत है। किसान मजबूर है, केसीसी का ब्याज अलग बढ़ रहा है, वो ब्याज में वो कर्ज में दबा हुआ है, कहां से कर्ज उतारेगा जब धान का 1800 रुपए व्यापारी को लाभ मिलता है, किसान तो 9 रुपए में बेच रहा है। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल बात आपने सही कही, कहीं ना कहीं किसानों की कई सारी परेशानियां हैं, उनका समाधान करने की अब जरूरत है और अब कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हमने आशीष जी से बात करी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किसानों की जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द उनका समाधान करने की अब जरूरत है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।